के पाठक का शिक्षा मंत्री विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। सीएम के द्वारा बुलाया जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री ने बुलाया होगा, बातचीत की होगी, लेकिन नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। राबड़ी देवी ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। कोई असर नहीं पड़ेगा, बीजेपी अतुल न्यूज बना कर दे ले बड़ा, और कोई नहीं। लेकिन मंत्री जी की नाराजगी दूर करेंगे आप लोग? नहीं है। के पाठक से मंत्री जी नाराज हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। के पाठक नाराज है तो पार्टी थोड़ी नाराज है, सरकार थोड़ी नाराज है, नीतीश कुमार जी थोड़ी नाराज है। मुख्यमंत्री ने सबके साथ बैठक भी की है, अभी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा दोनों की। सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर में विवाद के बीच राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संविधान से सब कुछ चलता है और जनता मंत्री से पूछती है, अगर कोई मामला है तो मिल बैठकर कोऑर्डिनेशन बनानी चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि शिक्षा मंत्री का आप सचिव को विभाग में घुसने पर प्रतिबंधित किया गया है, तो उन्होंने कहा कि ये अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। गवर्नमेंट चलती है, डिपार्टमेंट चलती है, रूल ऑफ एक्सिक्यूटिव बिजनेस। तो क्या आवर रूल ऑफ एक्सिक्यूटिव बिजनेस इज लॉ या नॉट लॉ, ये कौन देखेगा? रिस्पॉन्ड कौन है? मिनिस्टर विभागाध्यक्ष है, जनता पूछती है मंत्री से, जनता प्रधान सचिव से नहीं पूछती है। अगर कोई बात है तो मिल बैठ के चीज़ों को करनी चाहिए। भाजपा चुटकी लेती है कि चुटका बजाती है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि राज्य के कार्यक्रमों को राज्य हित में हम स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरजेडी कोटे के विधि मंत्री शमीम अहमद ने विवाद के बीच शिक्षा मंत्री और के पाठक को सुझाव दिया है। मंत्री ने कहा कि दोनों को ईगो छोड़कर बिहार के विकास पर ध्यान देने की जरूरत है, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेवारी है। पदाधिकारी जो है तंत्र होते हैं, तो ये दोनों में समन्वय बना करके मुझे ये काम करना है कि बिहार के विकास कैसे हो, खास करके शिक्षा विभाग में इसमें सुधार कैसे तेजी से आए, इस पे हम लोगों को ज़्यादा पहल करने की ज़रूरत है, इस पे लगने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि दोनों लोग अपने ईगो क्लैश के कारण इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, दोनों लोग को ईगो क्लैश जो है वो खत्म करना चाहिए? अपना ईगो नहीं बना करके, चूँकि ईगो बनाने कोई बना रहा है तो वो विकास पर बनाए, बिहार के विकास कैसे हो, शिक्षा में कैसे सुधार हो, इस पर ईगो बनाए लोग। जेडीयू के पाठक के समर्थन में आ गया है। प्रवक्ता डॉक्टर सुनील ने के पाठक की तारीफ करते हुए कहा कि वो कड़क परफॉर्मिंग अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री अधिकारी के साथ सामंजस्य बैठा कर काम करें। शिक्षा मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि वो बेकार के विवादों से बचे, बार बार बयान देना ठीक नहीं है। मंत्री विधायिका के हेड होते हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा ये कार्यपालिका के हेड होते हैं, इन दोनों के सामंजस्य से ही शिक्षा विभाग प्रगति करता है और अपने ऐच्छिक लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिसमें कि नीतीश सरकार का फोकस एरिया है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। इन दोनों के बीच अगर विवाद होता है तो निश्चित ही सरकार भी असहज होती है और काम भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए ये दोनों अपना तारतम्य करके अपने ऐच्छिक गोल को अचीव करने में लगाएं एनर्जी तो अच्छा है। जहाँ तक के पाठक जी का सवाल है, लोग उन्हें हार्ड टास्क मास्टर, कड़क अफसर, अचीवर और परफॉर्मर में जानते हैं, तो अगर इनसे काम लेना हो तो शिक्षा मंत्री जी को ठीक से इनको मिल बैठकर बात करके अच्छे से काम ले। मंत्री मंत्री हैं, वो अपनी जगह पर रहें। तो मंत्री शीला मंडल ने कहा कि महागठबंधन पर इससे असर नहीं पड़ेगा, परिवार में छोटी मोटी चीजें होती रहती है, हम लोग पदाधिकारी के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तभी परिवहन विभाग चलता है। कोई भी काम सिस्टम से चलाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। महागठबंधन 24 नहीं पूरे अच्छे से चलेगा, और आप लोग जान लीजिए मजबूती के साथ चलेगा, और परिवार में छोटा मोटा ये सब का कोई बात नहीं है। ऐसे ही जो विपक्ष वाले लोग हैं ये झूठ मूठ का चर्चा और प्रचार फैला रहे हैं, इससे कोई ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग अभी भी आप काम करते हैं, अभी आप लोग भी मीडिया का काम कर रहे हैं, आपका भी हेडक्वार्टर कहीं होगा, तो सब लोग जब तक मिलजुल के काम नहीं करेगा तो कोई काम सफल नहीं हो सकता। तो हमारे जितने भी पदाधिकारी लोग हैं सब हम लोग मिलजुल के करते तभी परिवहन विभाग चलता है। कोई भी काम सिस्टम से चलाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री और के पाठक का प्रकरण पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि सरकार गंभीरता से देख रही। कुशवाहा ने कहा कि कोई अफसरशाही हावी नहीं है, बिहार में कानून का राज है।
विपक्षी को कैसे परेशान करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहते बीजेपी, इसको तो तार तार कर रहा है। जो भी है आप देख रहे हैं कि जिस केस में चार्जशीटेड किया गया है पहले भी दो बार उस केस का जांच हुआ और जांच होने के बाद कुछ नहीं है, जांच के अभाव में उस केस को रोक दिया गया और फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उनकी नींद हराम हो। कैसे विपक्ष को तबाह करना है इसके लिए उनके परेशान है, कैसे हम सत्ता में बने रहें इसके लिए के परेशान है। उनको बुनियादी जो समस्या है, बुनियादी जो उससे उसको लेना देना है भाजपा के लोगों को, कुछ नहीं।